तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान एक बार फिर मुलाकात तय हो गई। मौलाना की लाहौर में इस्लामाबाद वापसी, पीटीआई से वफदान से मिलने जाएंगे। और आपको ये भी बताएं कि तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान एक बार फिर मुलाकात तय हो गई। मौलाना की लाहौर से इस्लामाबाद वापसी पर पीटीआई का वफद उनसे मिलने जाएगा। इसी पर बात करेंगे इंतज़ार हैदरी से। जी इंतज़ार बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जे यू आई के सरबराह मौलाना फजल रहमान लाहौर से इस्लामाबाद आ रहे हैं। ज़रा ये बताना है कि आज रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जे यू आई के आला सतही वफद में मुलाकात होगी। ज़रा ये बताना है कि मौलाना फजल रहमान जैसे ही इस्लामाबाद पहुँचेंगे उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आला रहनुमाओं को आगाह कर दिया जाएगा, जिसके बाद मुलाकात जो है वो होगी। ज़रा ये बताना है कि गुज़िश्ता रात जो अशाइया हुआ था जाती उम्रा में, उसमें जो अमूर अब तक सामने आए हैं और जिन बातों पर इत्तेफाक हुआ है वो बातें जो हैं वो पीटीआई के सामने रखी जाएंगी। ज़रा का ये बताना है कि मौलाना फजल रहमान ने ये कहा था कि अगर हुकूमत की तरफ से हमारी तजावीज़ को का खैर मकदम किया जाता है तो फिर आगे बढ़ा जा सकता है और इत्तेफाक राय के लिए वो किरदार भी अदा कर सकते हैं। इसी सिलसिले में आज मौलाना फजल रहमान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात हो रही है। इस मुलाकात में वाजे होगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान एक बार फिर मुलाकात तय। अपडेट कर रहे थे इंतजार हैदरी, आपका शुक्रिया।